तो दोस्तों मैं हूं आपका उसाउल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है यामा R15 वर्जन 4 या R15 M। तो दोनों मोटरसाइकिल की मैं टॉप वेरिएंट की बात करता हूं तो देखते हैं। और दूसरी जो मोटरसाइकिल है वो है KTM RC 200। तो दोनों मोटरसाइकिल की हम टॉप वेरिएंट की हम बात करते हैं तो देखते हैं दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहने वाली है और कौन सी मोटरसाइकिल जो है जो मतलब आपको परचेस करनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, और इसी वीडियो में आप लोगों को सारी A to Z सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कौन सी मोटरसाइकिल आपको बेहतरीन होने वाली है। तो सबसे पहले मैं R15 M की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो एक्सशोरूम प्राइस मिलेगा, देखो 30,000 आप लोग पहले ही ऐड कर दें बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO से 30,000 दोनों मोटरसाइकिल में पहले ही ऐड कर देना। तो R15 M की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो एक्सशोरूम प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 1,97,000 रुपीज़ का। वहीं पे अगर मैं KTM RC 200 की बात करूँ तो इसके अंदर इसका जो आपको प्राइस मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2.18 लाख रुपीज़ की। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए ना तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको 20,000 रुपये का फ़र्क आपको मिलेगा। वैसे 21,000 रुपये का फ़र्क है, ठीक है, तो 21,000 रुपये का आपको फ़र्क मिलेगा। तो देखते दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले R15 की अगर मैं बात करूँ तो R15 के अंदर आपको जो इंजन मिलता है 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4-stroke 4-valve SOSC इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 18.4 PS एट रेट 10,000 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 14.2 Nm एट रेट 7,500 RPM पर। BS6 का आपको इसके अंदर BS6 कंप्लाइंट 2 का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। बोर जो मिलेगा 58 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 58.7 mm का स्ट्रोक आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। वहीं पे RC 200 की अगर मैं बात करूँ तो RC 200 के अंदर आपको जो इंजन मिलता है 199.5 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4-stroke 4-valve SOSC इंजन आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 25.8 PS का पावर निकाल के देगी। और मैक्सिमम जो टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 19.5 Nm का टॉर्क आपको इसके अंदर निकाल के दे देगी। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो RC के अंदर आपको पावर ज़्यादा मिलेगी और टॉर्क की अगर बात करूँ तो वो भी आपको RC 200 के अंदर टॉर्क ज़्यादा मिलने वाला है। वहीं पे अगर हम बोर की बात करें तो 58 mm का बोर आपको R15 में मिलेगा और जो स्ट्रोक मिलेगा 58.7 mm का स्ट्रोक आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। RC 200 के अंदर आपको जो बोर मिलेगा 72 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 49 mm का स्ट्रोक आपको RC 200 में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की दोनों मोटरसाइकिल होने वाली, ओरिंग चैन बैग दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। 4-valve का इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। वहीं पर अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ब्रेकिंग सिस्टम आपको दोनों मोटरसाइकिल का डुअल डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS के साथ दोनों मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी। R15 की अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो R15 आपको आराम से 55 का माइलेज निकाल के दे देगी। वहीं पे RC 200 की बात करूँ तो देखो डिपेंड करता है राइडिंग स्किल के ऊपर, तो आराम से आपको जो है ये भी 38 तक का माइलेज आपको RC 200 निकाल के दे देगी। बाकी अगर आप लोग स्मूथ चलाते हो, काफ़ी आराम से चलाते हो, तो 45 तक का भी माइलेज आपको निकाल के दे देगी। बाकी डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्किल के ऊपर। टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो 100/80 का फ्रंट टायर आपको R15 में मिलता है, जो रियल टायर मिलता है 140/70 का रियल टायर आपको मिल जाएगा 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। RC 200 के टायर की अगर बात करें तो 110/70 का आपको फ्रंट टायर मिलेगा, जो रियल टायर मिलेगा 150/60 का आपको रियल टायर मिलेगा विथ 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। कॉर्नरिंग की अगर बात की जाए तो वैसे दोनों मोटरसाइकिल अपनी अपनी जगह पर बहुत बेहतरीन कॉर्नरिंग करती है, लेकिन RC 200 के अंदर आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलेगा क्योंकि RC 200 के जो टायर्स हैं वो थोड़े से वायर आपको मिल जाएंगे। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको रेडियल टायर मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। पर्सनली अगर अलॉय व्हील्स की बात करी जाए तो मुझे RC 200 के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो डायमेंशन की अगर बात कर लेते हैं तो सीट हाइट में R15 की बात करूँ तो 850 mm की सीट हाइट आपको R15 में मिलती है। वहीं पर KTM RC 200 के अंदर 824 mm की सीट हाइट मिलती है। तो सीट हाइट तो जो ज़्यादा आपको RC 200 में मिल जाएगी, तो अगर देखा जाए तो सीट हाइट आपको ज़्यादा इसमें मिल जाएगी। वहीं पे अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको R15 में मिलेगी। RC 200 के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी 158 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। यानी अगर कुल मिला के देखा जाए तो आप लोग को तो 12 mm ज़्यादा मिलेगी आपको R15 के अंदर। तो अगर आप R15 को ऑफ रोड वगैरह भी लेके जाते हो, ठीक है, वैसे दोनों में से कोई भी मोटरसाइकिल भाई ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी हुई है, लेकिन अगर आप फिर भी लेके जाते हो तो यहाँ पे आपकी जो बैली पेन वगैरह है ना वो R15 के अंदर थोड़ी सी सेफ रहेगी क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिल जाएगी। वहीं पर अगर मैं पेट्रोल टैंक की बात करूँ तो 11 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको R15 में मिलेगा। 13 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको RC 200 में मिल जाएगा। 2 लीटर दोनों ही मोटरसाइकिल में माइनस कर देते हैं FI की वजह से, तो 9 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको R15 में मिलेगा। और वहीं पर 11.7 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको RC 200 में मिल जाएगा। LED टेल लाइट दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको मिल जाएगी। डिस्क ब्रेक की बात करी जाए तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक R15 में मिलेगा और रियल डिस्क ब्रेक 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिल
जाएगा R15 में। RC200 के अंदर आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक 320mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 230mm का रियल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो आपकी RC200 जो है ये काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम आपको निकाल के देगी। वहीं पर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, सुपर मोटो के ABS आपको RC390 में मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, ब्रेकिंग आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है KTM RC200 की होने वाली है। मैं 300 बोल रहा हूँ, 200 की होने वाली है। गियर पोजीशन इंडिकेटर, असिस्टेंट कट ऑफ फीचर्स दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। VV टेक्नोलॉजी आपको R15 के अंदर मिलेगी। LED टेल लाइट आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। डुअल चैनल ABS दोनों ही मोटरसाइकिल मिल जाएगी। दोनों मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेल्फ मिलेंगी। स्प्लिट सीट दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको मिल जाएगी। फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगा मिल जाएगा। वहीं पे मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी आपको R15 में मिल जाएगी। यानी R15 के अंदर आपके कोई अगर आप जैसे फ़ोन वगैरह कनेक्ट करते हो इससे, तो जैसे कोई भी कॉल हो गई, मैसेज हो गया, ठीक है, मेल वगैरह कुछ हो गया, और बैटरी की परसेंटेज आपको R15 बता देगी, बिकॉज उसके अंदर वाई कनेक्ट ऐप आपको इसमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर तो फ्यूल इकोनॉमिक जो है वो आपको RC200 बता देगी। डिस्टेंस टू MPT आपको RC200 बता देगी। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाइक जो है वो कितनी दूर और चलने वाली है। तो यहाँ पे काफ़ी सही रहेगा कि पेट्रोल की अब जरूरत पड़ गई है बाइक को। लो फ्यूल वार्निंग लाइट जो है वो दोनों ही मोटरसाइकिल दे देगी। ये चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। आज के टाइम पे जितनी भी मोटरसाइकिल में आ रही सब में आ रही है, तो उससे क्या ना आपकी FI की मोटर काफ़ी सेफ रहती है। तो ये चीज़ पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। क्लॉक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। लो बैटरी इंडिकेटर आपको RC200 के अंदर मिल जाएगा। और प्रोजेक्टर हेडलाइट भी आपको RC200 के अंदर मिल जाएगी। प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको R15 में भी मिलेगी, ठीक है, सेंटर में सिंगल मिलेगी, लेकिन RC में आपको दो मिल जाएगी। लिक्विड कूल इंजन दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको मिल जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन दोनों मोटरसाइकिल के अंदर से में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक ऐसी मोटरसाइकिल होने वाली है जो हमें एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट पड़ती है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो प्राइस में क्या है कि देखो, जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि 21,000 रुपीज़ का फ़र्क है दोनों मोटरसाइकिल के अंदर। तो 21,000 रुपीज़ में देखो, RC के अंदर एक चीज़ मुझे पर्सनली क्या अच्छी नहीं लगती, अगर मेरे से कोई पूछता है तो मुझे क्या पसंद है उस बाइक में अच्छा नहीं लगता, इस बाइक के अंदर लिमिटर आ जाता है, ठीक है। अगर ये बाइक आपकी 145 तक पहुँचती है ना, तो ये कहने लिमिटर छोड़ देती है। लेकिन R15 में ऐसा लगता है कि भाई लिमिटर नाम की चीज़ ही नहीं है R15 में। जहाँ तक थ्रॉटल खींचते रहो वहाँ तक ही खींच जाता है, और ऐसा लगता नहीं है कि पावर कट मार रही है। लेकिन RC200 के अंदर क्या है ना, ये पावर कट मारती है। तो ये क्या है ना, अगर मान के 145 पे पावर कट मार देगी आपकी, 143 पे पहुँचा देगी या 140 पे पहुँचा देगी। तो यहाँ पे है ना, RC200 में थोड़ा सा मामला गड़बड़ सा लगता है। अगर ऐसा लगता है कि अगर इसमें लिमिटर ना हो ना, तो बहुत तगड़ी मोटरसाइकिल बन सकती है मार्केट के अंदर, 200 सेगमेंट के अंदर काफ़ी तगड़ी मोटरसाइकिल ये बन सकती है। तो यहाँ पे क्या है ना, इसलिए मेरे को जो है RC200 मुझे पसंद पसंद नहीं आती, क्योंकि ये लिमिटर की ही वजह से ही। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है देखो परचेज़ करनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोगों को एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए, तो यहाँ पे क्या है ना, आपकी R15 वर्जन 4 आपको ना भाई बढ़िया रहने वाली है। आपको कॉल की इंफॉर्मेशन हो गई, नेविगेशन वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आपको R15 दे देगी। लेकिन अगर आपको देखने में एक ऐसा देखो, क्योंकि RC200 के अंदर क्या जो मीटर कंसोल आता है वो फुली LCD मीटर कंसोल आता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मीटर जब आप देखोगे फ्रंट से बाइक आप चलाओगे ना, तो आपको RC200 का मीटर बहुत अच्छा लगेगा। अलग अलग आपको लाइट्स वगैरह मिलेगी उसके अंदर, RPM की अलग लाइट है, फ्यूल गेज की एक अलग लाइट है, फ्यूल वार्निंग की अलग लाइट है। तो वो ना वहाँ पे आपको देखने में ना पर्सनली जब आप राइड करोगे, क्योंकि हमारा क्या है भाई, आधा मतलब 90% फोकस जो होता है हमारे रोड पर होता है, 10% हमारा मीटर पर नज़र रहती है। तो वहाँ पे ना क्या है ना, वहाँ पे ना आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगने वाली है कि हाँ यार यहाँ पे मज़ा आ रहा है मुझे RC200 को देखने में, कि आगे से फ्रंट से मीटर जो इतना प्यारा सा दिखता है ना, तो एक अच्छी लगती है भाई। और अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिससे आपको माइलेज चाहिए, ठीक है, देखो पहले मैं आरसी की बात बता दूँ। आरसी के अंदर एक चीज़ क्या और अच्छी लगती है, वो लगती है इनिशियली पिकअप ही ऐसे भागती है ना, गोली भागती है मोटरसाइकिल, ठीक है। लेकिन R15 क्या, इनिशियल के मामले में पीछे हो जाती है, लेकिन R15 टॉप एंड के मामले में ना KTM से थोड़ा सा रहता है मामला, KTM से मामला रहता है कि पीछे कर देती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है ना, तो इनिशियल के लिए अगर आपको मोटरसाइकिल चाहिए तो RC200 बहुत बढ़िया, लेकिन आपको टॉप एंड के लिए मोटरसाइकिल चाहिए ना, तो भाई R15 बढ़िया रहने वाली है वहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। वैसे अगर पर्सनली मेरे से कोई पूछेगा कि इन दोनों मोटरसाइकिल में से मैं कौन सी मोटरसाइकिल को परचेज करूँगा, तो यार मैं सीधा R15 वर्जन 4 की तरफ जाऊँगा, क्योंकि देखो सीधी बात है, एक तो प्राइस का फर्क है, दूसरा माइलेज का फर्क है, तीसरा यामा का इंजन आप लोगों को पता है काफ़ी रिफाइंड इंजन रहता है, ठीक है, चौथा जो है स्मूथनेस, इंजन स्मूथनेस की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे को R15 का इंजन बहुत स्मूथनेस लगता है।
लेकिन आरसी का इंजन मुझे ना कभी कभी मैं क्योंकि पर्सनली मैंने भी राइड करी है, मैंने भी चलाई है आरसी 200 मेरे फ्रेंड्स वगैरह के पास है, तो मैंने चलाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने ना इसमें इंजन के हिसाब से ज़्यादा पावर डाल दी है। वो फील होती है कि बाइक के अंदर से थोड़ी आवाज़ ही आने लग जाती है और थोड़ा सा ना साउंड ना अजीब सा हो जाता है मोटरसाइकिल का, ठीक है। जैसे एक रहता है ना एक स्मूथनेस, देखो आरसी 200 की एक लो मेरे को वीक पॉइंट क्या लगता है, अगर मैं आरसी 200 को स्लो में चलाऊंगा ना तो ये ना इंजन बहुत गर्म होने लग जाता है। इसी वजह से आप लोगों को पता होगा कि पहले लिक्विड कूल के अंदर सिंगल फैन आता था, पहले लिक्विड कूल आता था, फिर सिंगल फैन दिया, फिर डबल फैन दिया। क्यों दिया? इसी वजह से दिया क्योंकि इसमें क्या हो रहा था ना, इसमें क्या हो रहा था ना, इंजन हीट हो रहा था, तो हीट होने की वजह से ना आरसी 200 अगर आप नॉर्मल चलाते हो ना जैसे 40-50 की स्पीड का अगर आप चलाते हो तो वहाँ पे ना इंजन काफ़ी हीट लगेगा और आपको फुल फील होगा। लेकिन R15 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपका जो R15 का इंजन है ना ये कहीं भी हीट वगैरह नहीं होने वाला है, चाहे आप इसको टॉप स्पीड पर चलाओ, चाहे उसको लो स्पीड पर भी चलाओगे ना, जैसे 30-40 की स्पीड पर भी अगर इस मोटरसाइकिल को चलाओगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि मोटरसाइकिल हमारी जो है वो हीट कर रही है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देख लें हमारे दोनों चैनल आर्क ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बैक एंड, दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके।